और जी न्यूज ने मोदी सरकार के चौकीदारों का महासम्मेलन आयोजित किया था। इसमें भी आपको बता दें कांग्रेस की न्याय स्कीम पर सवाल पूछे गए। अब हम आपको इंडिया के डीएनए मंच पर आए रेल मंत्री पीयूष गोयल का वो बयान सुनाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में गरीबी हटाने का नारा लोक लुभावन के सिवा और कुछ भी नहीं। ये जो फ्री शॉप्स की हम बात करते हैं, आप तो मुंबई से आते हैं और मुंबई जो है बॉलीवुड का केंद्र है। 1975 में एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और 1975 में बेरोजगारी गरीबी अपने चरम पर थी। उस वक्त युवा जो एंग्री यंग मैन है वो कहता है मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और 2019 में अब उसी पैसे पर यानी मुफ्त के पैसे पर राजनीति हो रही है। हर पार्टी आके कोई कर्ज माफी की बात करती है, कोई कहती है मुफ्त में पैसा दे देंगे। आपको लगता है तब से लेकर अब तक जो वोटर का डीएनए है वो चेंज हुआ है या अभी भी हमें इसी फ्री इकोनॉमी में जीना होगा? शत प्रतिशत चेंज हो गया। मुझे विश्वास है भारत के हर नागरिक के मन में आज स्वाभिमान है और स्वाभिमान से आत्मविश्वास से वो अपना जीवन जीना चाहते हैं। कोई हमारे देश का युवा युवती से आप पूछ लो, वो फिर एक बार वही अमिताभ बच्चन का डायलॉग रिपीट करेगा कि मैं फेंके हुए पैसे उठाता नहीं हूं। लेकिन इंदिरा जी का मुझे आज तक याद है, मैं 7 साल का था तब ये नारा था, मैं 21 साल का था जब उन्होंने बात की थी कि 1985 में जब उन्होंने राजीव गांधी जी ने बात की थी कि मैं 100 रुपए बेचता हूं मात्र 15 रुपए गरीब तक पहुंचते हैं, बाकी पैसा भ्रष्टाचार में और हमारे दलालों में और कांग्रेस पार्टी के अंदर शायद बच जाता होगा, हमें नहीं मालूम, उनको ज्यादा मालूम था, हमें तो नहीं मालूम। उन्होंने लेकिन उसका कोई समाधान नहीं किया, सिर्फ एक्नॉलेज कर दिया असलियत क्या थी कांग्रेस के राज की। मैं 40 साल का था जब 2004 में कांग्रेस ने नारा दिया कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, हम बस वही सुनते रहेंगे और कांग्रेस की जो रियल थिंकिंग है, जो उनका डीएनए है, वो उसमें झलकता है कि वो इस देश को गरीब रखना चाहते हैं।